आज का क्या कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण खाप हरियाणा, आप सब पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का ब्राह्मण सभा महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर आपका दिल से आभार करता हूं, आपके दर्शकों को नमन करता हूं। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज का कोई भी ऐसा एक संगठन नहीं था जो प्रदेश स्तर पर कार्य करे, इसलिए ब्राह्मण खाप हरियाणा का निर्माण किया गया था सितंबर 2023 के अंदर। करनाल में हमारे समाज की जितनी भी अग्रणी संस्थाएं थी वो इकट्ठा हुई, उन्होंने इसका निर्माण किया और मुझे प्रदेश स्तर पर सेवा करने का एक मौका दिया गया। तो आज जो महेंद्रगढ़ का कार्यक्रम क्या है? देखिए, आज महेंद्रगढ़ ब्राह्मण सभा की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे भारत रत्न जिनका आज जन्मदिन था, उनकी जयंती पर एक संगोष्ठी रखी गई थी, उसमें मैं शरीक होने के लिए आज महेंद्रगढ़ पहुंचा। तो आज जैसे ब्राह्मण खाप जो आपकी है और खाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और राजस्थान के अंदर जब ब्राह्मणों ने कुछ अपने अधिकार की लिए जो संघर्ष किया था और वहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री एक ब्राह्मण मिला है, और हरियाणा में जो राजनीति में भागीदारी को लेकर ये ब्राह्मण खाप क्या कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी 15.58%, लेकिन हरियाणा की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे समाज को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे रही हैं जितनी हमारी हिस्सेदारी बनती है। देखिए, इसके लिए ब्राह्मण खाप ने सभी पार्टियों से अनुरोध किया है। पिछले दिनों रोहतक में भी इस बारे में एक प्रेस वार्ता हुई थी, हमने डिमांड की थी कि हमारी जितनी भी हिस्सेदारी बनती है हमें दें। जो भी पार्टी अब की बार ब्राह्मण समाज को हमारी हिस्सेदारी के हिसाब से हमारा सम्मान करेगी, हमारे को टिकटों में तवज्जो देगी, उस पार्टी को ब्राह्मण समाज अब की बार सत्ता मिलाने का भरसक प्रयत्न करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अब की बार ब्राह्मण जिस भी पार्टी को समर्थन देगा, जिस भी पार्टी को आशीर्वाद देगा, वही पार्टी सत्ता के अंदर आएगी, इसमें सोचने का भी विषय नहीं। पिछले दिनों ब्राह्मण समाज को लेकर के एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी किया था कि हम ब्राह्मण समाज को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन हमें वो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्हीं की पार्टी के लोग उनकी बातों का खंडन करते हैं, उन्हीं की बातों को नहीं मानते, तो हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? अब की बार ब्राह्मण ना तो बरगलाएगा, ना ही किसी के बहकावे में आएगा, अब की बार ब्राह्मण एकजुट होकर के एक मत से एक फैसला करेगा, जिस भी पार्टी ने हमारा सम्मान किया तो उसको सत्ता में लाएंगे, ये हमारा अंतिम निर्णय होगा। पीछे वित्तीय आधार पर ब्राह्मणों को कुछ आरक्षण मिल रहा था और वो आरक्षण कम कर दिया गया है, कई जातियों में वितरित कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पहले ब्राह्मणों को ईपीबीजी का एक कोटा मिला था 10%, उसके बाद सरकार ने बंद कर दिया और एक ईडब्ल्यूएस के नाम से कोटा दोबारा से शुरू किया, लेकिन ब्राह्मण खाप की एक मांग है ईडब्ल्यूएस का वर्गीकरण किया जाए, ग्रुप ए बनाया जाए, ग्रुप बी बनाया जाए और ईबीपीजी के अंदर जितनी भी जातियां थी वो ग्रुप ए में रखी जाए और हमारा भी उसमें हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। आज आप महेंद्रगढ़ पहुंचे, ब्राह्मणों की अगर हम बात कर ले तो पूर्व में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के नाम से बीजेपी पार्टी ने वोट मांगे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हालांकि बाद में बीजेपी पार्टी अपने ही वादे से मुकर गई, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को धोखा मिला, तो इस विषय में आने वाले समय में ब्राह्मण खाप क्या कदम उठाएगी? देखिए, ब्राह्मण खाप अभी अपना फैसला सुरक्षित रखेगी, अभी चुनाव का माहौल है, हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ब्राह्मण समाज सोच समझ कर फैसला करेगा। जो पार्टी हमारे को मान सम्मान देगी, जो पार्टी मेरे समाज को मान सम्मान देगी, जो पार्टी मेरे समाज को एक किसी पद की बात करेगी, हम उस पार्टी के साथ जाएंगे और उस पार्टी को सत्ता में लाएंगे, ये हमारा पूरे ब्राह्मण समाज का आपके बाद निर्णय है। ब्राह्मण खाप के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाल फिलहाल में हरियाणा के चर्चित मुद्दे की बात कर ले, नवीन जैन भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनका भी बाग जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हरियाणा सरकार ने खाली करवा दिया, अब और अब लोगों की मांग ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
बागो खाली करा गया, ठीक उसी तर्ज पर SYL का जो हक है वो भी हरियाणा को मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे नवीन जयहिंद के साथ हुए इस मामले को लेकर के, आप भी ब्राह्मण वर्ष के? देखिए, नवीन जयहिंद हमारे समाज के अंग हैं, हमारे समाज के एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर किसी ने उनके साथ अगर कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करके कार्य किया है वो तो बिल्कुल निंदनीय है। देखिए, कोर्ट के मामले में मैं कुछ नहीं ज्यादा बोल सकता हूं, समाज उनके साथ है, वो समाज के साथ है। हमारे पैरावर की जो जमीन है उसका लेने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो समाज उसके लिए इनका धन्यवाद करता है और समाज उनके साथ है। नवीन जयहिंद मेरे समाज के विशेष सदस्य हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं हम होने देंगे कि किसी के साथ जाति हो, ब्राह्मण खाप उनके साथ भी थी। सर, समाज नवीन जयहिंद की मदद कर रहा है तो ब्राह्मण खाप क्या कदम उठाएगी, किस तरह से नवीन जयहिंद की मदद कर पाएगी? देखिए, अगर कानूनी कोई अड़चन नहीं है, कानूनी कोई प्रक्रिया ऐसी गलत तरीके से अपनाई गई है तो ब्राह्मण खाप नवीन जयहिंद के साथ हर समय खड़ी है। अगर कानूनी हिसाब से कोई बात हुई होगी तो उसमें ब्राह्मण खाप क्या कर सकती है? अगर किसी के साथ जाती हुई है, ब्राह्मण खाप 24 घंटे नवीन जयहिंद के साथ खड़ी है। नवीन जयहिंद मेरा भाई है, समाज का अंग है, समाज उसको कैसे भुला सकता है? देखिए, आज ब्राह्मण समाज एक विशेष अभियान के तौर पर भी महेंद्रगढ़ पहुंची है। पुराने समय में एक हमारी ब्राह्मण रेजिमेंट होती थी लेकिन अंग्रेजों के टाइम में उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद हमारी ब्राह्मण रेजिमेंट इतिहास के पन्नों पर खो चुकी। हमारी बहुत सी संस्थाओं ने प्रयास किया लेकिन हमारी रेजिमेंट का पुनर्गठन नहीं हुआ। अब ब्राह्मण खाप हरियाणा पूरे प्रदेश में भ्रमण करके एक लाख से भी अधिक ब्राह्मणों के हस्ताक्षर करा करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी रेजिमेंट के गठन की अपील करेगी। इसके लिए भी मैं आज महेंद्रगढ़ में आया हूं और हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हमारे पंडित जी मदन मोहन मालवीय जी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हम इसकी आज शुरुआत करते हैं। क्या ये पंडित, ये जो ब्राह्मणों की जो आप रेजिमेंट का जो मामला उठा रहे हैं, ये पहले भी रेजिमेंट बनी हुई थी, कब कैसे तोड़ी गई थी इसके बारे में? ये 1776 के अंदर बंगाल रेजिमेंट होती थी, उसमें 90% ब्राह्मण लोग होते थे। एक टी नेलोर नाम के एक सेना के अधिकारी थे, उन्होंने हमारी ब्राह्मण रेजिमेंट का गठन किया था और उसके बाद समय के कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़ा, ब्राह्मण रेजिमेंट का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहा। 1931 के अंदर अंग्रेज सरकार ने इसको बंद कर दिया क्योंकि ब्राह्मणों ने आजादी की मांग की थी और अंग्रेज हमें आजादी नहीं देना चाहते थे। और दूसरा कारण यह था, जितने भी स्वतंत्रता के लिए विद्रोह हुए उसमें ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, चाहे वो मंगल पांडे जी थे, चाहे वो तात्या टोपे जी थे, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई थी। उन लोगों को डर था कि ब्राह्मण अगर इस तरह से विद्रोही हो गया तो हमारा यहाँ से जाना निश्चित है, इसलिए उन्होंने हमारी रेजिमेंट को बंद किया था। और दूसरी, हमारी हरियाणा सरकार से भी मांग है कि हमारे EBPG के जितने भी बच्चे नौकरी लगे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। ब्राह्मण समाज अब की बार पूर्णतः एक फैसला लेगा। जिस भी पार्टी ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, जिस भी पार्टी ने हमें एक मौका दिया कार्य करने का, उस पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज पुरजोर तरह से खड़ा होगा और तन मन धन से उसको जिताने का काम करेगा। ब्राह्मण रेजिमेंट की मांग आप लेकर के चल रहे हैं और अगर हरियाणा में देखा जाए तो ब्राह्मणों की काफी हिस्सेदारी भी राजनीति में है या पूर्व में रह चुकी है, राजनेताओं से क्या कुछ अपेक्षा करते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाप राजनीति में नहीं पड़ती, ब्राह्मण खाप एक सामाजिक संगठन है, समाज के लिए मांग कर सकती है, समाज की हिस्सेदारी की बात कर सकती है। राजनीतिक तौर पर ब्राह्मण खाप का कोई काम नहीं है, यह समाज की सेवा के लिए बनाई गई है, समाज की हिस्सेदारी के लिए बनाई गई है, समाज को एकजुट करने के लिए बनाई गई है। ब्राह्मण खाप का एक ही उद्देश्य है, जितने भी ब्राह्मण संस्थाएं आज धरातल पर कार्य कर रही हैं उन सब संस्थाओं को एक मंच पर लाना है, एक मंच पर बैठकर अब की बार फैसला करना है कि ब्राह्मण किस पार्टी को अब की बार आशीर्वाद देगा। जी, रतिराम साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ
1965 में ब्राह्मण 60 फीट ब्राह्मणों की थी, जिसमें रावलपिंडी भी अंतर्भूत थे, सुवार मारखा, इसमें ब्राह्मण सारे से ज्यादा ब्राह्मण थे। फिर 71 मीडियम खड़ी हुई, जिसका मैं हूं, वो पूरी ब्राह्मणों की थी, कोई उसमें दूसरी जाति का नहीं था। 16 फीट के बाद 71 आई, और उसके बाद जब लड़ाई लगी 71 असम एरिया, मैं प्रेजेंट था, उसके बाद उकार सिंह कलकट जनरल था, उसने बोला कि ये ब्राह्मणों को पीछे देखे लो। ब्राह्मण का जो उकार सिंह कलकट जनरल था, उसने बोला कि ब्राह्मण पीछे नहीं हटेंगे और ब्राह्मण आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण सबसे आगे थे असम एरिया में, सबसे आगे थे, तो इन्होंने कमाल दिखाया। उकार सिंह कलकट ने ये बोला, जनरल ने, एक भी ब्राह्मण रहेगा तो ये हटेगा नहीं, चाहे सारे मर जाए। और ब्राह्मणों ने वो कमाल दिखाया जो कि सामने। उसके बाद 5-4 यूनिटें खड़ी हुई, जिसमें किसी यूनिट में एक बटालियन खड़ी कर दी, किसी में दो कर दी। प्योर रजमन तो 16 फीट है ब्राह्मणों की, जो लड़ने के लिए आगे चलती थी। फिर 71 में 71 मीडियम ग्रेड अंदर मैं वहां पर था, सर्वे ट्रेड था मेरा, टेक्निकल ट्रेड था, आगे जब ही लड़ते थे सर्वे आगे जाया करता था। उस वक्त इन्होंने कमाल दिखाया। उसके बाद 3 यूनिटें और ब्राह्मणों की खड़े, और टेक्निकल चीजों में ब्राह्मणों को रखा गया, इसमें कोई शक नहीं। मैंने वहां पर 28 साल नौकरी करी है, मैं 90 में पेंशन आया हूँ, अब 32-33 साल होगा। अभी भी मैं रेजिमेंट, जब भी रेजिंग होती है, कोई भी प्रोग्राम होता, चिट्ठी लिखते हैं, कार्ड आता मेरे पास, पंडित जी वहाँ है, आना जरूर, हम जाते भी हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि समय कम है। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम को लेकर के ये है कि आज हमने ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड महेंद्रगढ़ के सभागार में श्री मानन महामान श्री मदन मोहन जी मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का आयोजन किया, और उसमें बहुत भारी संख्या में हमारे ब्राह्मण भाई और सभी समाजों के लोग यहाँ पधारे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और सरोकार पंचायत हरियाणा के प्रधान जी ने जो बात कही है रेजिमेंट के लिए, ब्राह्मण रेजिमेंट के लिए, उसके लिए हम जो है जैसा वो कहेंगे वैसा हमारा ब्राह्मण समाज उनके साथ रहेगा और तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, और ये हमारी मांग। आदरणीय कैलाश पाली जी, आदरणीय प्रमोद शास्त्री जी,